आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम अपनी वीडियो में एक्टिव व्यूज कहां से लेकर आए जो कि हमारी वीडियो को पूरा वॉच करे और हमारे चैनल ग्रो होने में हमारी मदद कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में हम इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हम अपने चैनल पर एक्टिव व्यूज कहां से लेकर आ सकते हैं और साथ ही साथ हमारा चैनल इससे कैसे ग्रो हो सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं हम अपनी वीडियो पर एक्टिव व्यूज़ कहाँ से लेकर आएँ जिससे हमको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और हम अपने यूट्यूब चैनल पर और बेहतर से काम कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो अपने यूट्यूब चैनल में, सबसे पहले आपको उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स को पहले रेडी करके रखना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद उसका प्रोसेसिंग चलता है, जो प्रोसेसिंग चलता है उससे जब भी आप वीडियो उसका टाइटल नहीं लिखोगे, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे और टैग्स नहीं लिखोगे, ऐसे YouTube को भी नहीं पता चलता है आपने किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड की है और किस टॉपिक पर आप समझाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। इससे भी आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, इस वजह से आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते, फिर आप सोचने लगते हैं हाँ अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ पर मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे। इससे आप चैनल छोड़ के भी चले जाते हो और वीडियो डालना भी बंद कर देते हो। आप बोलते हो हाँ अभी इसमें वीडियो डालने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं, व्यूज़ तो आते नहीं, पर अक्सर आपको यही गलती कर देते हो। सबसे पहले वीडियो अपलोड करने के टाइम पहले आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को पहले रेडी करके रख लो, जब भी वीडियो आप डालोगे और प्रोसेसिंग में चलती है उसी दौरान आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को रख दो। इससे YouTube की टीम को भी पता चलता है आपने किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, इससे भी आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा ही मैंने भी पहले ऐसा ही करता था, पहले मैं वीडियो अपलोड कर देता था, फिर उसको प्राइवेट में छोड़ देता था, फिर मैं सोच सोच कर डिस्क्रिप्शन लिखता था, टाइटल लिखता था और साथ ही साथ उसके टैग्स भी लिखता था। इतनी देर में YouTube को भी नहीं पता चलता था इसने किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, इसको कहाँ पर रैंक करें, किसको दिखाएँ किसको ना दिखाएँ, ऐसा YouTube को भी नहीं पता चलता था। जब प्रोसेसिंग चलते हैं, प्रोसेसिंग के टाइम ही सब कुछ YouTube की टीम चेक करती है, आपकी वीडियो भी चेक करती है, आपकी वीडियो किस बेस पर है, कौन सी वीडियो आपने अपलोड की है YouTube की टिप्स पर है, तब आप डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स या टैग डालते हैं YouTube टिप्स ऐसे लिखकर, और उससे YouTube को भी पता चलता है हाँ अभी इसकी वीडियो भी YouTube टिप्स पर है और इसने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स YouTube की टिप्स पर ही डाले हैं। इस वजह से आपकी वीडियो रैंक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी वीडियो को कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पर उसको भी शेयर कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हाँ भी ये मेरी वीडियो को पूरा देख ले, इससे आपका वॉच टाइम भी पूरा होगा और आपके वीडियो पर व्यूज़ आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं अपनी वीडियो को शेयर भी करता हूँ और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर करता हूँ पर मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं और मेरा चैनल भी इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो पा रहा है। अक्सर हम गलती कर देते हैं, कोई ना कोई हम गलती करते हैं जिस वजह से हमारा चैनल थोड़ा सा पीछे रह जाता है, हमारे वीडियोस में व्यूज़ आने कम हो जाते हैं। जैसे कि मैं YouTube की टिप्स पर वीडियो देखता हूँ, अगर आप मुझे कॉमेडी वीडियो भेजोगे ना मैं वो कभी नहीं देखूँगा क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। अक्सर फेसबुक ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा ज्वाइन होने वाले ग्रुप्स होते हैं YouTube की टिप्स पर, YouTube की टिप्स, YouTube के सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अक्सर हम भी YouTube की टिप्स या सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, हम उसमें ही गलती कर देते हैं। हम जब हमारी कॉमेडी की वीडियो, हम कॉमेडी की वीडियो में YouTube की टिप्स में वीडियो शेयर कर देंगे, हमारी वीडियो को तो कोई नहीं देखेगा, हमारी वीडियो पर वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं आएगा, एक या दो बंदे उसको देखेंगे और देखते ही छोड़ देंगे। इससे हमारा चैनल ग्रो होने की बजाय थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, हमारे चैनल पर व्यूज़ आने के बजाय घट जाते हैं। अक्सर आप अपनी वीडियो को शेयर करने से पहले आप देख ले आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, उसी टॉपिक पर अपना एक फेसबुक पर ग्रुप देख लें, आप किस टॉपिक पर आप कॉमेडी बना रहे हो या टेक्नोलॉजी या साइंस या किसी भी प्रैंक पर वीडियो बना रहे हो उसका पहले ग्रुप ऐड कर लें। उसमें 1.5 लाख फॉलोअर्स तो होंगे, 1.5 लाख फॉलोअर्स होंगे, आप उसमें अपनी वीडियो को शेयर करते हो,
या उसमें आप अपनी थंबनेल छोड़ देते हो, अपनी वीडियो का लिंक भी दे देते हो, हाँ भाई पूरी वीडियो देखने के लिए इस लिंक को क्लिक करिए। वो 10% लोग बोलूँगा, अगर 1.5 लाख भी ज्वाइन किया होगा, 10% लोग, 1500 लोग भी आपकी वीडियो पर वॉच टाइम कंप्लीट दे देना, आपका चैनल 100% ग्रो हो जाएगा। अक्सर आप ऐसी गलती मत करिए, पहले देख लीजिए आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है, उस टॉपिक पर आप अपनी वीडियो को फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, इससे आपका चैनल ग्रो 100% ग्रो होगा। बस इतना ही था आप सबको समझाने के लिए। सबसे पहले आप वीडियो अपलोड करते हो, पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को पहले सोच समझकर, जो कि आपने अपनी वीडियो में रखना है उसको पहले रख लें, फिर उसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे, जब प्रोसेसिंग में वीडियो चलती है तब भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इससे आप YouTube को भी पता चल जाएगा आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है। और दूसरी टिप यही है, आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो उस टॉपिक का ग्रुप्स देखिए, उस पर आप वीडियो को शेयर कीजिए, इससे आपके वीडियो पर व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। के लिए बस इतना ही था आप सभी के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन में जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।